चाहूँगा, ये काको स्वास्थ्य केंद्र जो है, ये आसपास के जो हमारे गांव है, दसों गांव जो ऐसे होंगे जिसकी पूरी जो है, पूरी तरह से जो है इस काको स्वास्थ्य केंद्र के ऊपर निर्भर है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये आयुष्मान भारत का जो है अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सह हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर काको झंझारपुर मधुबनी है। मैं आपको अंदर के विजुअल भी दिखाने की कोशिश करूँगा। मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो है अस्पताल जो है जनवरी 1994 में जो है माननीय सांसद श्री देवेंद्र प्रसाद यादव जी के कर कमलों द्वारा इसका शिलान्यास किया गया। इससे पहले जो है इसे अनिल स्मारक के रूप से जाना जाता था। ये जो है अनिल स्मारक के रूप में इसे जाना गया। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे जो है अनिल स्मारक, ये है अनिल स्मारक जिन्हें जो है स्वर्गीय बद्री नारायण दास जी के पुत्र श्री लक्ष्मीकांत दास, श्रीमती गीता दास के एकमात्र पुत्र अनिल कुमार दास की याद में उन्होंने जो है ये अनिल स्मारक बनाया, ये इमारत बनाई गई और बाद में जो है इसे स्वास्थ्य केंद्र का रूप दिया गया। और आज जो है आसपास के 50 गांव का जो है ये एक जो है एकमात्र ऐसा स्वास्थ्य केंद्र है जहां पर लोगों की जो है वो पूरी तरह से जो है वो निर्भरता है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, सभी तरह की यहाँ पर सुविधाएँ हैं। आज जो है यहाँ पर जो कैंप भी लगा है, यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं आई हैं, दूर दराज गांव से आई है, जो यहाँ पर जो है आज ऑपरेशन कैंप का फ़ायदा उठाने के लिए आई है। हम जो है उनसे कुछ जानने की कोशिश करेंगे। तो माता जी, आप लोग कहाँ से आए हो? चुपता से आए हो आप? निर्वापुर से। तो आप लोग जो है निर्वापुर से यहाँ आए हैं, तो वहाँ पर कोई स्वास्थ्य केंद्र नहीं था, या आज ऑपरेशन के कारण यहाँ आए हैं आप लोग? आप कहाँ से आई हो? ओलीपुर से। तो ओलीपुर में तो खुद से एक स्वास्थ्य केंद्र है, तो वहाँ पर कैंप नहीं था। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पर जो है ओलीपुर, बनोर, रामखेतारी, खेरा और आसपास के बहुत सारे गांव से आए हैं, जहाँ से जो है ऑपरेशन कैंप भी है आज सा। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर बाकायदा जो है आज एम्बुलेंस जो है एडवांस लाइफ सपोर्ट भी दिया गया है, ताकि आपातकाल में किसी तरह की अगर घटना हो जाए तो मरीज को जो है वो सुरक्षित जो है वो रखा जा सके। तो इसके साथ साथ मैं आपको, ये हॉस्पिटल तो आप देख रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ बुनियादी समस्याएं भी है। इन समस्याओं को जो है हम यहाँ पर जो है लोगों के द्वारा जानने की कोशिश करेंगे कि बुनियादी यहाँ पर क्या क्या समस्याएँ हैं। तो सबसे पहले तो हम कुछ समस्याएँ देख रहे हैं, लेकिन हम लोगों से जो है, ये हमारी जो है दीदी है, यहाँ पर बहुत सालों से कार्यरत है, दिखाना चाहूँगा, बहुत सालों से कार्यरत है और यहाँ पर इनके साथ बहुत अच्छे और बुरे अनुभव के साथ जो है बीती है। और साथ साथ ना इस वीडियो के मीडियम से, बल्कि मैं बताना चाहूँगा कि ये जो है स्वास्थ्य केंद्र आसपास में इतनी ज़्यादा निर्भरता है कि मेरे अपने जो दो बेटे हैं वो जो है इसी अस्पताल में हुए हैं, यहीं पर हुए हैं। इस कारण जो है मैं यहाँ की जो है अच्छी तरह से व्यवस्थाएं सारी जानता हूँ। तो दीदी, यहाँ पर जो है मैं देख रहा हूँ कि कुछ चीज़ों की समस्या हो रही है, जैसे बाउंड्री वॉल नहीं है, पानी की समस्या है, तो ये कभी आपने बोला नहीं था? आप जो है यहाँ पर नहीं, आप यहाँ पे पोस्टेड है, तो यहाँ पर जो है जो समस्या है, जैसे बाउंड्री वॉल जैसे टूटी हुई है, या चापा कॉल भी खराब है, या पानी आ रहा है, लोगों का कहना है कि वो पीने योग्य नहीं है, तो इसके बारे में कभी आप लोगों ने आवाज़ नहीं उठाई? नहीं नहीं, परवारी सर आके देख के गए हैं, परवारी सर इसके लिए इंतजाम कर रहे हैं, सरकार भी लेटर निकाले इसके लिए, बजट सेक्शन सब कुछ का व्यवस्था हो जाए। और मेन गेट जो है, मेन गेट भी नहीं है यहाँ पर। हाँ, तो कई सारे भी अनटाइम नहीं आया, और मुखिया जी के द्वारा साथ करवाना है इससे, मुखिया जी के साथ बिठा के जो भी उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो यहाँ पर जो है इनका जो जो यहाँ पे पोस्टेड है जो अधिकारी है, उनका कहना है कि यहाँ पर जो है वो ये जो समस्याएं हैं, बेसिक समस्याएं जो है, बुनियादी समस्याएं हैं, जैसे चापा कॉल की समस्या, या मेन गेट नहीं है, या साथ साथ बाउंड्री वॉल जो टूटी हुई है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से जो है यहाँ पर जो है वो बाउंड्री वॉल जो है वो पूरी तरह से तार बेतार हो रखी है, टूट रखी है। तो मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं,
ये पॉल्टी बॉल यहाँ तक तो आई है, उसके बाद तारे लगी हुई है, तारों से इसको घेरा गया है, लेकिन आप जो है वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तार से कितना घेरा जाएगा। यहाँ पर नर्सें रहती है, जो है वो अलग अलग तरह के मरीज रहते हैं, महिलाएं मरीज भी रहती हैं, उसके बावजूद जो है इस तरह की जो है यहाँ पर बुनियादी समस्याओं को दूर नहीं किया जा रहा है। हालांकि यहाँ पर जो है बिजली के लिए जो है इस ट्रांसफार्मर की जो है व्यवस्था की गई है, और ये जो है दूसरा कक्ष है, यहाँ पर कुछ जो है हमारी जो है दीदियाँ जो है कुछ काम कर रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर इस तरह के कैंप लगातार लगते रहते हैं, कैंप यहाँ पर लगातार लगते रहते हैं, सुविधाएं सारी हैं। आप लोग यहाँ पर आवासीय रहते हैं कि कहीं और रहते हैं? यहीं पर रहते हैं, तो यहाँ पर सभी सुविधाएं हैं आपके लिए। पानी के लिए चापाकल, तो पानी पीने के लिए नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, और शौचालय वगैरह की व्यवस्था वो सारी है, और लाइट वाइट की लाइट। तो इनका कहना है कि यहाँ पर पीने का पानी नहीं है। आप सोच सकते हैं कि आज हम इस 21वीं सदी में चल रहे हैं, और यहाँ पर जो है हमारी जो दीदी या जो हमारी नर्स जो है जो यहाँ पर है सेविका जो यहाँ पर पेशेंट की देखभाल के लिए है, उनको पीने के लिए पानी नहीं है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम किस युग में रह रहे हैं। इस युग में रह रहे हैं जहाँ पर डॉक्टरों के लिए पानी नहीं है, तो पेशेंट के लिए पानी कहाँ से आएगा? जो तो इसके साथ साथ जो है और भी बहुत सारी ऐसी समस्याएँ हैं, और इसके ऊपर जो है आखिर कब सरकार जागेगी, हमारा स्वास्थ्य विभाग कब इस पर कदम उठाएगा, इसका इंतज़ार करते करते ये सारे मरीज यहाँ से निकल जाएंगे, ये नर्स भी यहाँ से रिटायर हो जाएगी, लेकिन ये काम नहीं होगा। तो इसके साथ साथ जो है ना, तो इतनी सारी महिलाएं हैं यहाँ पर जो आज ऑपरेशन कैंप में आई है, लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनके पीने के लिए पानी आज यहाँ पर नहीं है। तो एक आप कह सकते हैं किस तरह की ये समस्या है। हालांकि दो दो चापाकल है यहाँ पर, लेकिन दोनों का पानी जो है पीने योग्य नहीं है। इसके बाद बाउंड्री वॉल टूटी हुई है और मेन गेट जो है वो नहीं है। आप सोच सकते हैं एक स्वास्थ्य केंद्र में मेन गेट नहीं है, मेन गेट जो है कितना जो है फर्क डालता है। आम हम लोग भी घर बनाते हैं तो सबसे पहले मेन गेट लगाते हैं, बाउंड्री वॉल है लेकिन मेन गेट नहीं है। तो ये समस्याएँ जो है वो प्रशासन की भी है, मुखिया की भी है, और साथ साथ जो यहाँ के जो भी यहाँ के जो यहाँ पर कार्य कर रहे हैं उनका कहना है कि सिविल सर्जन को ये जानकारी दी जा चुकी है, डीएम को जानकारी है इस बात। हमारे साथ इस समय जो है आज यहाँ पर हम आपको बता दें कि एक जो है वो ऑपरेशन कैंप लगा है, इसमें सभी महिलाएँ आई है, दूर दराज से महिलाएँ आई है, और यहाँ पर झंझारपुर प्रखंड से जो है वो डॉक्टर्स वगैरह आए हैं ऑपरेशन के लिए। यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे, आपका नाम हुआ सर? राकेश कुमार मेरा। तो आप यहाँ पर आज किस पर्पज से आए हैं? काउंसलर के रूप में आए हैं और ऑपरेशन में सहयोगी के रूप में काम करते हैं। आज यहाँ लगभग कितनी महिलाओं का ऑपरेशन हुआ? आज यहाँ 9 महिलाओं का ऑपरेशन होगा, जिसका भी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। पर महिलाएं तो यहाँ पर ज़्यादा दिख रही है, उनके गार्जियन अभिभावक लोग आते हैं सहयोगी के रूप में देखने के लिए। 9 महिलाओं का यहाँ पर आज ऑपरेशन होने वाला है। तो इस तरह के ऑपरेशन यहाँ पर लगातार होते रहते हैं? हाँ, प्रत्येक सप्ताह के सोमवार और गुरुवार को दिन प्रखंड स्तरीय लगता है। इससे पहले भी आप यहाँ पर आए हैं? हाँ। किसी तरह की असुविधा यहाँ पर नहीं? यहाँ की असुविधा यही है कि थोड़ा पानी का, यहाँ का जो कल है ना उसका पानी उतना बढ़िया पीने योग्य नहीं है, उसमें बदबू आता है, और आप तो बोलवे की है मेन गेट। तो देख सकते हैं आप जो बाहर से डॉक्टर आ रहे हैं उनका भी कहना है यहाँ पर पीने लायक पानी नहीं है, बाउंड्री वॉल की समस्या है, और साथ साथ जो मेन गेट नहीं है। इस तरह की समस्याओं से जो जूझ रहे हैं, तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ के जो यहाँ पर रोज़ रहते हैं, जिनका यहाँ पर दैनिक ड्यूटी है, उनको कितनी असुविधा का सामना करना पड़ता होगा। और जिस तरह से बाहर के लोग आए उनको भी यही कहना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट जरूर करेंगे, ताकि हम इस तरह के हॉस्पिटल में सुधार ला सकें और सरकार जो है जागे और इस तरह के जो स्वास्थ्य केंद्र है
जो कि आसपास के ग्रामीणों की जो है वो कमर की रीढ़ है, रीढ़ की हड्डी है, उसे जो है सरकार जो है उसे एक अच्छे रूप में ला सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हमारी महिलाएं या जो भी हमारे रोगी है या वृद्ध है जो दूर दराज नहीं जा सकते, उनको नज़दीक में इलाज मिले और निःशुल्क इलाज मिले और सही तरह से इलाज मिले। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर करेंगे। इन शब्दों के साथ फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप लोग देखते रहे खबर आसपास। जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला।